दोस्तों स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के बारे में। दोस्तों इस बार जो बिहार सरकार की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 30,000 नलकूपों को अनुदान मिलेगा, जो कि 24,000 रुपए तक आपको अनुदान मिल सकता है अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं। तो अगर आप ये किसान भाई तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा ये सुनहरा मौका होने वाला है, आप जरूर इसके लिए आवेदन करिएगा। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाला है। लाइव एक फॉर्म एक अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही, नहीं तो सिस्टम से करना चाहते हैं तो सिस्टम से भी कर सकते हैं। हर एक जानकारी बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन से कास्ट के लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है। तो चलिए देरी की बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। इस योजना के रिगार्डिंग आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है और कहीं ना कहीं इस साल बहुत बड़ा आने मौका दे रही है बिहार सरकार, जो भी किसान भाई है वो अपने खेतों में नलकूप लगवा ले। तो चलिए देरी की बिना करते हैं वीडियो के। तो फाइनली दोस्तों इस योजना के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है यानी आईपीआर के ऑफिशियल वेरीफाई अकाउंट को, जो कि देख सकते हैं 9:03 पर 8 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसी में सारा जानकारी बताया गया है कितना तक आप अनुदान उठा सकते हैं, कौन से कैटेगरी से आते हैं। तो जो भी योजना चलाया जाता है लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चलाया जाता है, साथ नीचे पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई के पानी के अंतर्गत बात किया गया है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, जो कि 30,000 नलकूपों पर ये अनुदान मिलने वाला है। ठीक मानिए लगभग बिहार में जो रखा गया है यानी कि इस बार 30,000 नलकूपों पर अनुदान दिया जाएगा। अब इसको विशेषता समझ लेते हैं, उसके बाद अनुदान समझ लेते हैं कि कितना मतलब अनुदान आपको मिलने वाला है और विशेषता में क्या बताया गया। तो इसमें देख सकते बताया गया 4 से लेकर 6 इंच तक व्यास के निजी नलकूपों पर 15 से 70 मीटर तक गहराई तक अनुदान आपको मिलेगा। ठीक मान की 4 से 6 इंच के व्यास के जो भी होता है निजी नलकूप और कम से कम 15 से लेकर 70 मीटर तक गहराई तक इसका अनुदान मिल सकता है। 2 हॉर्स पावर से लेकर 5 हॉर्स पावर मोटर पंप का अनुदान भी मिल सकता है। न्यूनतम जो भी है 40 डिसमल भूमिगत की पात्रता होनी चाहिए आपको और अनुदान का भुगतान 2 चरणों में किया जाएगा, जो कि आधार लिंक जो भी बैंक खाता होगा डीबीटी के माध्यम से आपका जो भी पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, जो भी आपके आधार से लिंक होगा जो भी अकाउंट उस पर भेजा जाएगा, जो कि आप सभी को पता ही होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का फुल फॉर्म होता है। अब बात कर लेते अनुदान कितना कैंडिडेट को किस तरीके से मिलेगा, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अवयव में बताएगा और लागत रुपया और सामान्य और पिछड़ा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के इसमें बताया गया है कि लाभ मिलेगा। तो आप समझिएगा कौन सी कैटेगरी के। तो बात की अगर बोरिंग के लिए इसमें बताया गया प्रति मीटर बताया गया 1200 रुपया लागत लगता है। ठीक है कि बोरिंग के लिए जिसमें सामान्य वर्ग से आते हैं तो इसमें 50% आपको अनुदान मिल जाएगा, जिसमें 600 रुपया सरकारी दे देगी और 600 रुपया आपको खुद से लगाना पड़ेगा। वहीं पर अगर बोरिंग लगवाते हैं अगर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 70% तक का अनुदान सरकार देगी यानी 840 रुपया दे देगी, आपको अनुदान मिलेगा। वहीं पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं तो 80% तक सरकार आपको अनुदान देगी, जिसमें 960 रुपये आपको सरकार ही दे देगी, बाकी का जो पैसा आपको लगाना पड़ेगा खुद से। अब इसको लेकर बात कर लेते हैं कि अगर आप मोटर पंप सेट यानी प्रति मोटर के हिसाब से इसमें बताया गया, अगर आप बोरिंग लगाते हैं उसी को मोटर पंप सेट बोला जाता है, अगर ये लगाते हैं तो 2 हॉर्स पावर के लगाते हैं तो इसमें बताया गया लागत रुपया सरकार की तरफ से दिया गया 20,000 रुपया। ठीक है इसमें 20,000 दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 50% का अनुदान मिल जाएगा यानी सरकार आपको 10,000 रुपया दे ही देगी और 10,000 आप खुद से लगा सकते हैं। वहीं पर अगर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो 14,000 रुपया सरकार देगी यानी 70% सरकार देगी, 20,000 तो लागत इकाई है यानी कि आप मोटर पंप सेट लगाते हैं तो 2 हॉर्स पावर का इसमें बताया गया 20,000 लगेगा, लेकिन जिसमें अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 10,000 यानी 50% का अनुदान देंगे यानी 10,000 सरकार देगी, 10,000 खुद से लगा सकते हैं। वहीं पर आप पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो 14,000 तक आपको अनुदान देगी सरकार यानी 70%। वहीं पर अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 16,000 रुपये का अनुदान आपको सरकार ही दे ही देगी। वहीं पर 3 हॉर्स पावर का आते हैं तो इसी तरह यानी लागत इसका लगाया गया सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया 25,000, जिसमें अगर सामान्य वर्ग से आते हैं तो 12,500 सरकार देगी यानी 50%। वहीं पर अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 17,500 देगी, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 20,000 रुपया दे देगी सरकार, बाकी का जो पैसा आपको खुद से लगाना पड़ेगा। वहीं 5 हॉर्स पावर का अगर लगाते हैं मोटर तो 30,000 इसका लागत इकाई रखा गया है कि इतना लग सकता है, सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है कि कितना मतलब उसका लागत लग सकता है,
जिसमें सामान्य वर्ग वालों को 50% मिलेगा ही मिलेगा, यानी 15,000 सरकार देती है, 15,000 खुद से लगा सकते हैं, और वहीं पर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो 21,000 सरकार देगी, बाकी का जो भी 9,000 आपको खुद से लगाना पड़ेगा, और वहीं पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं तो 24,000 सरकार देगी, बाकी का जो पैसा आपको खुद से लगाना पड़ेगा। यानी इतना सब अनुदान दे रही है सरकार किस लिए, ताकि खेतों में अच्छी तरह से पानी पहुंच पाए, किसान भाई जो अच्छी तरह से खेती कर पाए। तो ये हो गया, यानी कि आप विशेषता भी समझ ले और अनुदान की राशि भी समझ ले कि कितना आपको अनुदान मिलने वाला है, इसमें आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, आप वहां से नोटिफिकेशन ले सकते हैं। अब चलिए, कैसे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे यानी कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना जो कि आपको दिख रहा है, बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्टल पर चलेंगे जहाँ पे इसमें भी बताया गया योजना का सारांश दिया गया, यानी कि 7 नीचे पार्ट 2 के तहत हर घर खेती सिंचाई के पानी के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के पूर्व में तकनीकी दल द्वारा सर्वेक्षण स्थल पर पोर्टल से प्राप्त अनुदान मिलाकर कुल 30,000 नलकूपों को अनुदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 30,000 इस साल जो 2023-24 में बात किया गया नलकूपों को अनुदान दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा रकम होने वाला है बिहार सरकार की तरफ से। ये बहुत ही बढ़िया योजना चलाया जा रहा है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप किसान भाई हैं, अगर आप चाहते हैं अपने खेतों में ऐसा मतलब मोटर वगैरह लगाना खेत पटवन करने के लिए, तो आपको इससे बड़ा कोई मौका मिलने वाला नहीं है, आप लगा सकते हैं। अब इसको लेकर विशेषता वही बताएगा जो कि हम आपको पहले ही बता दिए, आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी बताएगी, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आवेदन प्रक्रिया भी समझ सकते हैं, और यहाँ से जो भी बताया गया किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रूफ के तौर पर बता देते हैं कि किस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि वीडियो में अगर बताएंगे कि आवेदन करने की प्रक्रिया तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। आवेदक यहाँ पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के उपरांत मोबाइल नंबर स्वयं आधार नंबर सत्यापित करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको आधार नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा, अभिलेखित अपलोड आपको करना है जीपीजी पीएनजी फॉर्मेट में, जो भी आपका इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है पीएनजी फाइल में, और नीचे दिए घोषणा पत्र को आपको टिक आउट करके एक बार आवेदन जमा करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि बदलाव इसमें नहीं किया जाता है। और संलग्न करने वाले अभिलेखों की सूची आधार नंबर आपका लगने वाला है, यानी डॉक्यूमेंट की जो बोला गया है एलपीसी जो भी सर्टिफिकेट होता है, भूधारकता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा जो 1/1/2023 से पूर्व का ना हो, यानी पहले का ना हो, 1 जनवरी 2023 के बाद का जो भी आपका एलपीसी सर्टिफिकेट है यानी भूधारक प्रमाण पत्र वो आपका रहना चाहिए, सूक्ष्म पदकार से निर्गत जाति प्रमात्र आपका रहना चाहिए, फोटोग्राफ स्वयं चिन्हित स्थल का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जहां आप नूर कप लगाएंगे वहां का एक फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब रख लेना है, रेडी कर लेना है। तो आवेदन करने के लिए इस पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा देर इंतजार कर लेना, जहां पे आपको दिखलाई देगा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, इस तरीके से ऑप्शन होगा अनुदान हेतु आवेदन दिया गया है, तो आपको यहाँ से आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे आप अपना नाम लिख देना है किसान के, आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद किसान का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा, पिता का आपको नाम लिख देना है इससे करेंगे तो पिता का नाम हिंदी में हो जाएगा, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस कैलेंडर में जाकर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको अपने हिसाब से ईयर वगैरह सेलेक्ट कर लेना, अच्छी तरह से प्रोसेस बताया गया है। उसके बाद यहाँ से जो भी मंथ या डेट वगैरह जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जाति जो भी है लिंग आपको चयन कर लेना, महिला है या पुरुष है, ट्रांसजेंडर है तो पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट करके आपको कोटि चयन कर लेना है, किस कोटि से आते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग आपको जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का इसमें जो भी डिटेल्स मांगे गए आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र का आपको यहाँ से जो भी है पत्र संख्या देना पड़ेगा। अब आपको पता ही होगा कि जो भी आप जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे उस पे साइड में कॉर्नर पर रहता है, आपको देना ही देना है, ये स्टार लगा है तो आपको समझ लेना कि अगर नहीं देंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सभी पे स्टार लगा है तो सभी को आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिएगा आपको यहाँ से, और जाति प्रमाण पत्र जो जारी हुआ था किस दिन जारी हुआ था आपको उसमें डेट वगैरह डाल देना है, जिस दिन जारी हुआ था तो आपको अच्छी तरह से डेट इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का निर्गत कहाँ से हुआ था, राजस्व अधिकारी यानी अंचल अधिकारी द्वारा, अनुमंडल अधिकारी द्वारा, जिला पदाधिकारी द्वारा, यानी एक जिला स्तर पर बनता है, आपके ब्लॉक स्तर पर बनता है, तो जो भी आपका होगा आप इसमें सेलेक्ट करके ईमेल आईडी आपको देना है, ये थी है ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर जो भी है आप इसमें देकर
आधार नंबर डाल, मोबाइल नंबर डाल को सत्यापित आपको कराने ना है। जैसे आपको मोबाइल नंबर डालेंगे इस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अपना पता किसान का जो भी एड्रेस है वो आपको मतलब देना पड़ेगा। इसमें सेलेक्ट करेंगे तो एलपीसी का जो भी विवरण है यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ से अब एलपीसी का विवरण आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड आपको कर देना है दस्तावेज, उसको स्वयं घोषणा पत्र टिक आउट करके आपको सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिलहाल हमारे पास किसी किसान भाई का डाटा नहीं तो हम आपको एकदम लाइव प्रूफ के साथ अपलोड करके दिखाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, दो चार लोगों का कमेंट आ जाएगा तो हम कहीं से जुगाड़ करके इस पे एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना देंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, जो भी जानकारी हमने तो ऑलरेडी बता दिया इतना। आपको किसान का पता दे देना और एलपीसी जो भी है सर्टिफिकेट बोला गया है बोला गया है वो आपको अपलोड करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुई तो जरूर कमेंट करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है आवेदन करने में तो कमेंट आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं कि आपको हम जानकारी नहीं देंगे। आप कमेंट जरूर करिएगा।